Yes, good evening. Good evening, everyone. Once again, very, very good evening to all of you. So now I'm going to share my screen. Just a second. Yeah. So we were doing file handling in Python. So आज का जो topic है, आज हम लोग करने वाले हैं क्या? अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में हमने देखा था reading, है ना, reading data from a file. How we can read the data from a text file. ये हमारा पिछले क्लास का टॉपिक था और आज हम लोग सीखेंगे कि हम हाउ टू राइट इन अ टेक्स्ट फाइल. हम लोग राइटिंग का काम आज सीखेंगे. तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि हम लोग कितने तरीके से, है ना, टेक्स्ट फाइल में, टेक्स्ट फाइल से रीडिंग का काम कर सकते हैं, है ना. सो वी कैन रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल बाय द हेल्प ऑफ थ्री मेथड्स. इन पाइथन वी हैव बेसिकली थ्री मेथड्स, दैट इज अ रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइन्स. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा बेसिकली राइटिंग रिलेटेड. ठीक है, हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट डेटा इन अ टेक्स्ट फाइल. ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं. और देखिए, जब आप फाइल में राइट करने जाते हो ना, तो आपके पास दो सिचुएशन होता है. ठीक है, यू हैव टू सिचुएशन. पहला केस क्या हो सकता है? फर्स्ट केस इज इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड. Yes, everybody, if file does not exist, a new file will be created. Writing के केस में क्या होता है? If file does not exist, यानी कि फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, पहले से बना बनाया फाइल हमारे पास नहीं है, so a new file will be created. दूसरा पॉइंट है, if file exists, data will be retained in the existing file. अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो डेटा क्या हो जाएगा? ओवर राइट हो जाएगा इन द एग्जिस्टिंग फाइल में, इन केस ऑफ राइट मोड. इन केस ऑफ ऑल ऑफ यू राइट मोड. तो ऐसा होता है किस केस में होता है सर? ऐसा होता है राइट मोड के केस, है ना. और आप, आपको, आपके ग्रुप में मैंने आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर भेजा है, तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखोगे कि डायरेक्टली एक क्वेश्चन यही दो पॉइंट्स है, है ना. तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि थ्योरी भी कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, है ना. यस यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग धीरज. तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि थ्योरी भी कितना इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टली जो भी हम थ्योरी बता रहे हो उससे डायरेक्टली क्वेश्चन है आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर में, है ना. तो आप बढ़िया से एकदम थ्योरी का करिए. एमसीक्यू क्वेश्चन थ्योरी से आना ही आना है, है ना. थोड़ा बहुत प्रोग्राम से रिलेटेड भी एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर होगा, लेकिन थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आपको एमसीक्यू जरूर उठा करके देगा, कहीं से भी बीच से उठा करके दे सकता है. तो इस पर जरूर बढ़िया से फोकस करो. जो अल्टरनेट डे का गैप मिल रहा है उसमें आप लोग बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, रिविजन कर लीजिए, ये बेटर होगा आपके लिए. ओके, तो चलिए ये दो पॉइंट को बढ़िया से याद कर लीजिए कि राइट मोड में होता है क्या. इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड. इफ फाइल एग्जिस्ट, डेटा विल बी रिटन इन द एग्जिस्टिंग फाइल. और वो जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसका मैं पूरा का पूरा डिस्कशन करूंगा एक क्लास में. ठीक है, तो उसके लिए घबराना नहीं है. और इस संडे को आपका 11 AM में हम टेस्ट ले लेते हैं फंक्शन का. ठीक है, ज्यादा नहीं, 20 या 30 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा और बढ़िया क्वेश्चन देंगे. कम ही क्वेश्चन रहेगा लेकिन बढ़िया क्वेश्चन रहेगा. ठीक है, तो आप लोग उसे जरूर अटेम्प्ट कर लोगे, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और मंडे को फिर हम लोग उसको डिस्कस कर ले, है ना. तो उस टेस्ट के लिए कोई मीटिंग वगैरह नहीं होगा, आप लोग बस अपना ईमानदारी से टेस्ट दे लोगे, है ना, सबमिट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है. और उसके बाद हम लोग मंडे को उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, एनीथिंग वांट टू आस्क? टीचर्स डे के दिन, अच्छा उसी दिन टीचर्स डे है क्या? आप दे सकते हो. अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो टेस्ट दे सकते हो. ठीक है, तो आप टेस्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना. टीचर्स डे के दिन क्या प्रॉब्लम है ना, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है ना. चिल्ड्रंस डे नहीं ना, है ना. और ऐसे भी हम तो क्लास ले नहीं रहे, बस टेस्ट का लिंक देंगे आप लोग को. ओके ऑल ऑफ यू, सो दिस इज द राइटिंग डेटा इन फाइल्स एवरीबडी, है ना. अब हम लोग देखने वाले हैं आप राइटिंग का काम किन किन तरीकों से कर सकते हो. ठीक है ना, तो आपके सामने जो सबसे पहला है बेटा वो है राइट मेथड, है ना. राइट मेथड, सो राइट मेथड टेक्स अ स्ट्रिंग एंड राइट्स इन द फाइल. ये क्या करता है? स्ट्रिंग लेता है, इट एक्सेप्ट स्ट्रिंग डेटा एंड राइट्स इट इन द फाइल, है ना. बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता, सारा प्रोग्राम बना लेगा, सब चीज कर लेगा और एंड तक उसको पता नहीं रहता कि राइट मेथड क्या करता है. केवल स्ट्रिंग वैल्यू ही लेता है और वो स्ट्रिंग ही केवल फाइल पर राइट कर सकता है ना. तो ये चीज, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे. दूसरा पॉइंट है फॉर स्टोरिंग डेटा विथ EOL कैरेक्टर. व्हाट इज द EOL कैरेक्टर? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू एवरीबॉडी व्हाट इज अ EOL कैरेक्टर. वी हैव टू एड स्लैश एन कैरेक्टर टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग.
So for storing with UL character, UL character means end of line character, slashn store करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? We have to add slashn character to the end of the string, है ना? String के end में आपको slashn character क्या करना पड़ेगा? Add करना पड़ेगा. अब देखो next क्या है? For storing numeric value, we have to either convert it into string using str function or write in quotes, है ना? अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करना है यार, तब आप क्या करोगे? क्योंकि राइट मेथड का प्रॉब्लम ये है ना सर, कि ये कर क्या रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू को ही केवल राइट करेगा आपके फाइल में, है ना? अब आपको फाइल में न्यूमेरिक वैल्यू को राइट कराना, तब क्या करोगे? तो सर आप उस न्यूमेरिक वैल्यू को str फंक्शन की मदद से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर ले, या उसको डायरेक्टली डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन के अंदर रख ले न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली आप फाइल में स्ट्रिंग वैल्यू ही एंटर कर पाओगे, है ना? स्ट्रिंग वैल्यू ही राइट कर पाओगे फाइल राइट मेथड की मदद से, है ना? तो होप्स तो आपको ये स्लाइड क्लियर हो गया होगा. आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब देखो दूसरा जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वो है सर, दैट इज एवरीबॉडी राइट लाइंस मेथड. राइट लाइंस मेथड, तो राइट लाइंस मेथड इज यूज टू राइट सिक्वेंसेज डेटा टाइप इन फाइल, है ना? यू हैव हर्ड अबाउट सिक्वेंसेज डेटा टाइप एंड ऑलरेडी यू नो अबाउट सिक्वेंसेज डेटा टाइप, कि सिक्वेंसेज डेटा टाइप क्या होते हैं. तो राइट लाइंस मेथड की मदद से आप क्या कर सकते हो? यू कैन राइट सिक्वेंसेज डेटा टाइप्स इन फाइल, है ना? यू कैन राइट सिक्वेंसेज डेटा टाइप्स इन फाइल. आप फाइल में सिक्वेंसेज डेटा टाइप को राइट कर सकते हो. सिक्वेंसेज डेटा टाइप में आपका बहुत सारा आता है, स्ट्रिंग आता, लिस्ट आता, टपल आता, है ना? ये सारे चीज आते हैं, सेट आते हैं, है ना? तो इस टाइप का डेटा को आप फाइल में क्या कर पाओगे? राइट कर पाओगे बाय द हेल्प ऑफ एवरीबॉडी राइट लाइंस मेथड. By the help of क्या? Write lines. ठीक है? तो अभी दोनों को राइट मेथड और राइट लाइन मेथड, है ना, दोनों को भी प्रैक्टिकली समझाएंगे, है ना? और जो हमारा जो टॉपिक एक और इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आप स्लाइड में जैसा कि देख पा रहे हो, दैट इज अ बाइनरी फाइल, ये नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा. ठीक है? आज की क्लास में बेसिकली राइट और राइट लाइन मेथड के बारे में बात करेंगे बेटा, है ना? और हम लोग प्रोग्राम देखेंगे टेक्स्ट फाइल रिलेटेड. नेक्स्ट क्लास से आपका बाइनरी फाइल स्टार्ट हो जाएगा, और ज्यादा नहीं, हार्डली दो या तीन क्लास में बाइनरी, दो तीन क्लास में बाइनरी फाइल कंप्लीट हो जाएगा, तीन से चार क्लास में सीएसवी फाइल कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है? और बस पहले फिलहाल तो मुझे पाइथन आइडियली ओपन कर लेने दो. ठीक है? ओके, तो लेट मी ओपन एवरीबडी पाइथन आइडियली, और मैं आपको अभी फाइल में राइट करके दिखाने वाला हूँ, है ना, कि क्यों कैसे आप फाइल में राइटिंग का काम कर सकते हो, है ना? ठीक है? तो बिल्कुल सिंपल बेसिक से चल रहे हैं. चलिए, तो सबसे पहले जानते हो आप, है ना, हम लोग सिंपल वे में रिलेटिव पाथ ही यूज करते हैं, हम लोग करेंगे, आई मीन टू से आप यूज तो एब्सोल्यूट पाथ भी कर सकते हो. तो एज यूजुअल मैं क्या कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करने जा रहा हूँ बेटा, है ना? और इस फोल्डर का नेम मैं आज का डेट रख देता हूँ. आज का डेट है 03/09/2021. ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अपना एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? इसी के अंदर हम लोग प्रोग्राम को सेव करेंगे, है ना? चलो, तो अब ऐसा करते हैं, पाइथन आइडियली में हम लोग आते हैं और हम लोग चलते हैं स्क्रिप्ट मोड में. सर अभी तक कुछ भी नहीं किए, बस डेस्कटॉप पे एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया है, है ना? और यहाँ पे देखो क्या आ चुके हैं हम लोग क्या कर लिए, एक मतलब पाइथन हम लोग ने ओपन कर लिया है. और ऐसा करते हैं ना कि हम लोग एक नोट पैड का फाइल क्रिएट ही कर लेते हैं और उसको हम लोग उसी फोल्डर में स्टोर करके रख लेते हैं, है ना? डैट विल बी बेटर एवरीबॉडी. तो मैंने एक नोट पैड का फाइल क्रिएट कर लिया है एवरीबॉडी, नोट पैड फाइल ओपन हो चुका है और इसमें मैं कुछ भी लिखने वाला नहीं हूँ. दिस इज द कम्प्लीटली ब्लैंक एवरीबॉडी, ये देखो कम्प्लीटली ब्लैंक है, बस मैं इसे सेव करने वाला हूँ. ठीक है? और मैं इसे सेव करूंगा अफकोर्स उसी फोल्डर में. तो डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर था और ये था हमारा फोल्डर, और इसे मैं किस नेम से सेव कर लूँ, तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ किस नेम से, आज है फ्राइडे, तो चलो फ्राइडे का नेम से सेव कर लेते हैं. और एवरीबॉडी आप देखोगे इसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा बेटा, फ्राइडे नेम से बस मैंने सेव चाहिए, याद रखना, इसको क्लोज भी कर देते हैं. और ये है हमारा पाइथन. ठीक है? अब यहाँ पे देखो राइटिंग का काम करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों आपको ये तो पता चल चुका है कि हाउ यू कैन ओपन अ टेक्स्ट फाइल, आप फाइल को कैसे ओपन कर सकते हो. तो उसके लिए सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट आपको डिक्लेयर करना होता है, जो मैं एफ कर ले रहा हूँ. फाइल ऑब्जेक्ट का नाम मेरा एफ है, एफ इज इक्वल टू ओपन, और यहाँ पे हम लोग अपने फाइल का नेम लिखेंगे. तो हमारे फाइल का नेम है सर फ्राइडे
डॉट टी एक्स टी, और यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, इसको डब्ल्यू मोड में, आई मीन टू से राइट मोड में मैं इसे ओपन करने वाला हूं. एफ इजिकल टू ओपन फ्राइडे डॉट टी एक्स टी, और ये राइट मोड में मैंने इसे ओपन कर लिया है ना. अब क्योंकि हम लोग को राइटिंग का काम करना है ना, अब इसमें कुछ लिख भी लिया जाएगा, तो क्या लिख लेते हैं, एफ डॉट राइट. पहले राइट मेथड हम लोग सीखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न राइट मेथड. जस्ट अ सेकेंड, ऑफकोर्स एवरीबडी है ना, फाइल नेम केस सेंसिटिव होता है, यस है ना, उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं. चलो एफ कैपिटल मैंने लिखा था, इसको मैंने स्मॉल कर दिया है, ठीक है. चलो वेरी गुड क्वेश्चन नीरज. तो एफ डॉट राइट, एफ डॉट राइट करते हैं, और यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिख लेते हैं कुछ भी सिंपल सा, गुड इवनिंग लिख लेते हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलो है ना. और एक लाइन और मैं लिखना चाहूंगा, एफ डॉट राइट, यहां पे क्या लिखते हैं, एफ डॉट राइट थैंक यू, बस लिख देता हूं मैं सिंपली थैंक यू. ओके चलो, एवरीबडी नो प्रॉब्लम एट ऑल, एवरीबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस पाइथन प्रोग्राम है ना, इन दैट फोल्डर ओनली, बिकॉज आई हैव यूज्ड रिलेटिव पाथ हियर. ओके सो लेट मी, या दिस इज, दिस वन इज एवरीबडी, वी हैव फोल्डर, दिस इज द फोल्डर. ओके इस प्रोग्राम को मैं किस नेम से सेव कर लूं, तो चलो नीरज नेम से ही सेव कर लेते हैं सर, नीरज. और ये हो गया, हो चुका है सेव, और अब इसको हम लोग रन भी करेंगे, रन तो करना ही होगा. तो जब हम लोग रन करेंगे तो ये एब्सोल्युटली एवरीबडी रन कर चुका है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फाइल का एक्चुअली नेम जो था वो नोटपैड का था ना, तो नोटपैड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल या स्मॉल लेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो पाइथन प्रोग्राम नहीं था. एक्सट्रीमली सॉरी ऑल ऑफ यू, आप मतलब कि पाइथन प्रोग्राम को आप भूल जाओ, पाइथन प्रोग्राम इज अ केस सेंसिटिव, वो नोटपैड वो अलग चीज हो गया. वहां पे अगर फाइल नेम आप बना रहे हो तो वो केस सेंसिटिव नहीं होगा, फोल्डर क्रिएट कर रहे हो डेट इज नॉट अ केस सेंसिटिव. ऐसा नहीं है कि अगर राज नाम का फोल्डर स्मॉल लेटर से क्रिएट किए तो फिर कैपिटल से भी क्रिएट कर सकते हैं, डेट विल बी सॉरी डेट विल बी, एक मिनट देख लेते हैं, रुक जाओ, डेट विल बी ऑफकोर्स केस सेंसिटिव, ऐसा तो नहीं होना चाहिए है ना. एक चलो, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि राज नाम का फोल्डर बना लेते हैं, और फिर से हम लोग देखेंगे कि क्या राज नाम का फोल्डर बना पा रहे हैं. स्मॉल लेटर से बना, देखो तो ये अलाउ तो नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब क्या समझोगे कि दिस इज नॉट अ केस सेंसिटिव. तो अब आप समझ जो मैं जो समझाना चाह रहा हूं है ना, शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, बट आप समझ सकते हो है ना, वही चीज है नोटपैड के केस में है ना. आप स्मॉल लेटर में लिखो कैपिटल लेटर में लिखो, डजंट मैटर, दैट इज नॉट अ केस सेंसिटिव. तो इसे मैंने डिलीट कर दिया है. क्या समझ गया नीरज, हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग, इट इज अंडरस्टैंडेबल नीरज, हैव यू अंडरस्टूड है ना. तो चलो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे. अब देखो जब मैं इसे रन कर रहा हूं, अभी दोबारा रन नहीं करें, ये गलती नहीं करें रन, पहले चलो देख लेते हैं, उस फाइल को ओपन करके देख लेते हैं. ये रहा हमारा सर फोल्डर, और यहाँ पे ये है फ्राइडे नाम से मैंने सेव किया. राइट क्लिक करूंगा मैं, और मैं इसे करूंगा ओपन, और मैं इसे करूंगा सर ओपन, मैं इसे करूंगा ओपन. इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, एवरीबड वाई, यहां पे कुछ भी लिखा हुआ क्यों नहीं आया मुझे बताएं सर, कुछ लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा. फाइल को मैंने ओपन भी किया है, राइटिंग का भी काम कर रहे बढ़िया से, राइट मेथड, राइट द डेटा इन स्ट्रिंग फॉर्मेट है ना, बट वाई वी आर नॉट एबल टू राइट एवरीथिंग इन आवर फाइल. तो मैं बताना चाहूंगा आपको है ना, अभी तक किसी के भी आंसर नहीं आया है, आपको फाइल को क्लोज करना जरूरी है एवरीबॉडी है ना, फाइल को क्लोज करना बहुत जरूरी है. एफ डॉट क्लोज यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद आप रन करो है ना, और हम लोग अभी देखेंगे दोबारा से उस फाइल को ओपन करके कहाँ गया वो फाइल. अब देखते हैं हम लोग क्या इसमें हम लोग लिख पाते भी है या नहीं, लिख पाते भी है या नहीं. तो आप देखोगे इसमें अब लिखा हुआ आ चुका है, गुड इवनिंग थैंक यू भी लिखा हुआ आ चुका है ना. होप सो आप समझ रहे होगे है ना. तो राइटिंग के केस में जब आप फाइल में लिखने जा रहे हो तो याद रखो, उसमें को आप फाइल को ओपन कर रहे हो तो बड़ा फाइल को क्लोज करना भी उतना ही जरूरी है, फाइल को क्लोज करना भी उतना ही जरूरी है. एक बार राइट मेथड को थोड़ा सा फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, देखेंगे सभी कोई नोट ये. चलो हाँ देख लोगे,
सभी को ध्यान दोगे क्या मैंने लिखा? फर्स्ट पॉइंट, राइट मेथड टेक्स अ स्ट्रिंग एंड राइट्स इट इन फाइल. चलो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिख दिया. फॉर स्टोरिंग डेटा विथ ईओएल कैरेक्टर, मैंने बोला अगर एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर आपको ऐड करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा, अब है ना, आपको आपको एक्सप्लिसिटली ऐड करना पड़ेगा. यू हैव टू ऐड स्लैश एन कैरेक्टर टू दी एंड ऑफ द स्ट्रिंग. एंड ऑफ द स्ट्रिंग में उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? ऐड करना पड़ेगा, है ना. तो वो भी अभी दिखाएंगे. और फॉर स्टोरिंग न्यूमेरिक वैल्यू वी हैव टू आइदर कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग यूजिंग एसटीआर फंक्शन और राइट इन कोट्स. ओके, लेट मी शो यू एवरीबॉडी एवरीथिंग. आई एम गोइंग टू शो यू, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड. अब देखो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग अब क्या करेंगे यहां पे, ये देखिए, अगर आप अगर इसको देख पा रहे हो, मैं नोटपैड फाइल को फिर से दिखाऊं. कहां गया नोटपैड फाइल हमारा? चलो ओपन कर लेते हैं. या ये रहा फ्राइडे, ध्यान से देखोगे बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं. ये रहा, अब आप देखो गुड इवनिंग आपको दिख रहा है, थैंक यू दिख रहा है. अब मेरे को बताओ ये क्या अलग अलग सेपरेट लाइन में आ रहा है? नहीं आ रहा. सेपरेट लाइन में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सर, है ना, सेपरेट लाइन में नहीं आ रहा. नॉट कमिंग इन सेपरेट लाइन एवरीबॉडी, दिस इज नॉट कमिंग इन सेपरेट लाइन. तो अब इसको सर सेपरेट लाइन में लाएंगे कैसे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? हाउ विल ब्रिंग इट इन सेपरेट लाइन एवरीबॉडी? क्या करना पड़ेगा हम लोग को उसके लिए, बोलिए. How will bring in separate line? Slash n. तो कहां पे slash n ऐड करेंगे सर? Slash n कहां पे ऐड करोगे? यहां पे ऐड करोगे slash n. और कहां पे slash n ऐड करोगे सर? यहां पे ऐड करोगे slash n. No problem at all. चलो अब देखो, या अच्छा यहां पे slash n ना ऐड करे तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? Let me execute. हम लोग चलते हैं इसमें और इसको ओपन करते हैं. देखो एवरीबॉडी कैन यू सी? गुड इवनिंग, थैंक यू. तो हम लोग एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर ऐड कर पाए, यहां से यहां पे एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर ऐड कर दिए, तो ये थैंक यू नेक्स्ट लाइन में चला गया. उसके बाद यहां पे स्लैश एन ऐड करने की क्या जरूरत है? ये तो ठीक है, बढ़िया दिख रहा. चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते, ये सारा चीज समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सभी को? अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एफ डॉट राइट. यहां पे मैं लिखना चाहता हूं क्या 25 या ऑल ऑफ यू, हम लोग को क्या करना पड़ा? अच्छा ऐसा करते हैं ना, एक मिनट, बस यहां पे ए करेंगे एफ डॉट राइट ए. और मैं क्या करने वाला हूं, यहीं पे ऐसा करते ए इज इक्वल टू 25 कर देते हैं. नाउ लेट मी एग्जीक्यूट एवरीबॉडी. अच्छा टाइप एरर, राइट आर्गुमेंट मस्ट बी एसटीआर नॉट इंट. आप देख रहे हो क्या यहाँ? अब बताओ कैसे स्टोर करेंगे हम लोग, क्या करना पड़ेगा एवरीबॉडी, क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे? अब बोलो क्या करना पड़ेगा बताइए. व्हाट वी हैव टू डू ऑल ऑफ यू, व्हाट वी विल डू? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा. चलो तो इसको एसटीआर के अंदर कर दे क्या? एसटीआर के अंदर रख दे इसको. चलो इसको एसटीआर के अंदर रख देते हैं. नाउ लेट मी एग्जीक्यूट एवरीबॉडी. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो नाउ इट इज वर्किंग एवरीबॉडी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेट मी ओपन द नोटपैड फाइल. फ्राइडे को हम लोग ओपन करते हैं और ये हो चुका है ओपन. तो थैंक यू 25 भी आ गया. स्लैशन हम लोगों ने ऐड नहीं किया था क्या बेटा? स्लैशन नहीं ऐड किए हो तो ऐड कर लो ना स्लैशन. चलो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी, नो प्रॉब्लम. देखते हैं क्या होता है. या चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. देख सकते हो आप 25 भी आ गया. गुड इवनिंग, थैंक यू 25 भी आ चुका है. तो आप क्या राइट मेथड को अच्छे से समझ गए हो ये बताइए. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीबॉडी राइट मेथड.
हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग और नॉट अंडरस्टूड, क्लियर बताएं, क्या आप राइट मेथड समझ गए हो या नहीं समझे? जी सर, सभी बच्चे समझ गए राइट मेथड, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? रिया अंडरस्टूड, शीतल अंडरस्टूड, चलो तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा चलो एक और एग्जांपल दिखा देता हूं मैं अपनी साइड से, एक एग्जांपल और दिखाते हैं, चलो अपनी साइड से, ठीक है। ये सारा को मैंने डिलीट किया और अब देखो क्या करने वाले हैं, है ना, वी आर गोइंग टू फाइंड द एवरीबॉडी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं एल इज इक्वल टू एल लिखूंगा, इंट इनपुट एंटर द लेंथ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और b इज इक्वल टू एवरीबडी, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूं मैं, b इज इक्वल टू कंट्रोल c, यहां पे आके कंट्रोल b, int इनपुट एंटर द ब्रेथ कर देते हैं, b r e a t h ब्रेथ, है ना, नो प्रॉब्लम सर। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, एरिया a r इज इक्वल टू l इंटू b, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं निकालने जा रहा हूं, है ना, और इसी को भी क्या करेंगे, इसी को फाइल में हम लोग राइट करेंगे, है ना। तो चलो राइट कराते हैं, अब देखो फाइल में राइट कराएंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, एफ डॉट डब्ल्यू आर आई टी, एफ डॉट राइट, मैसेज देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, एवरीबडी कैन यू टेल मी इट विल वर्क और इट विल नॉट वर्क, इट विल वर्क और इट विल नॉट वर्क, एवरीबडी क्या ये वर्क करेगा सर कि नहीं करेगा बताइए, इट विल वर्क और नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क, व्हाई इट विल नॉट वर्क सुमित, व्हाई नीरज इट विल नॉट वर्क, नो क्लोज फंक्शन, ओके वेरी गुड, नाउ एवरीबडी अंडरस्टैंड, एप डॉट क्लोज, चलो अब ये वर्क करेगा सर, इट विल वर्क और नॉट वर्क, इट विल वर्क और नॉट वर्क, क्या ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा? यस सर इट विल वर्क, नीरज नो, नीरज व्हाई इट विल नॉट वर्क बेटा, ये काम क्यों नहीं करेगा? रिया इट विल वर्क, प्रज्ञा इट विल वर्क, नीरज क्यों ये वर्क करेगा, सॉरी नहीं वर्क करेगा, प्रज्ञा विल वर्क, वैल्यू न्यूमेरिक जाएगा, अच्छा देख लेते हैं, वैल्यू न्यूमेरिक जाएगा बोल रहा, तो अब उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे नीरज? अरे यार ये तो ले रहा है इंटर द लेंथ, आगे देखते हैं ब्रेथ भी लेगा, आगे देखते हैं, हाँ यहां प्रॉब्लम करेगा टाइप एरर, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, राइट हमेशा आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही कर सकते हो, तो str फंक्शन के अंदर डाल दो इसको, अब क्या हम लोग लिख पाएंगे सर, देखें, देखो ये वाला पार्ट क्यों एग्जीक्यूट कर रहा है, ये प्रोग्राम में काम हो रहा, इस चीज को आप फाइल में नहीं लिख रहे हो, एंटर द जो लेंथ कर रहे हो ना टेन, वो तो प्रोग्राम में लिख रहे हो आप, फाइल में नहीं लिख रहे हो सर, ये जो सिक्स दे रहा है प्रोग्राम में लिख रहे हो, है ना, फाइल में नहीं लिख रहे हो। अच्छा यहाँ क्या बोल रहा है देखो, हम लोग समझ नहीं रहे, पहले पढ़ो क्या कर रहा, टाइप रहा टेक्स्ट ओ रैपर डॉट राइट टेक्स्ट एग्जैक्टली वन आर्गूमेंट टू गिवेन, राइट टेक्स्ट एग्जैक्टली वन आर्गूमेंट टू गिवेन, चलो यहाँ पे बोल रहा राइट टेक्स एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट टू गिवन, तो अब बताइए हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं सर, इसको एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, रिजॉल्व करना चाहूंगा, है ना, कि अभी देखो ये क्या बोल रहा है कि राइट जो मेथड है इसको आप एक ही आर्गुमेंट दे सकते हो सर, यहाँ पे आप दो दे रहे हो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, है ना, कि राइट मेथड कैन एक्सेप्ट मैक्सिमम हाउ नंबर ऑफ आर्गुमेंट, अब यहाँ पे दो आर्गुमेंट कैसे है सर, कॉमा सेपरेट्स द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, ये पहला आर्गुमेंट हो गया सर और ये दूसरा आर्गुमेंट हो गया, सो व्हाट वी कैन डू, हाउ कैन आई कम आउट फ्रॉम सच टाइप ऑफ सिचुएशन, हाउ वी कैन रिजॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब मैं चाहता हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी लिखना चाहता हूँ और जो भी एरिया मेरा कैलकुलेट होकर के आया वो भी मैं लिखना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैन एनी वन टेल मी व्हाट वी हैव टू डू, इसके लिए क्या करें हम? यस Yes, anyone, can you tell me? Nobody? List में convert करें
देखो एक चीज नया चीज सिखाते हैं, है ना, यहाँ पे आप प्लस साइन लगा दो, अब देखो इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। प्लस का मतलब होता है कि आप स्ट्रिंग को कॉनकैटेनेट कर रहे हो। देखो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एंटर द लेंथ एंटर द ब्रेथ वी आर नॉट गेटिंग द एरर। अब यहाँ पे दो आर्गुमेंट नहीं जा रहा, आप बोल रहे हो कि ये पहला स्ट्रिंग और ये दूसरा स्ट्रिंग, है ना, दोनों को अपेंड कर दिया आपने, कॉनकैटेनेट कर दिया, है ना, यानी कि ये पूरा का पूरा एक ही आर्गुमेंट बन चुका है ना, ये क्योंकि ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग को आपने क्या कर दिया, है ना, कॉनकैटेनेट कर दिया ना, तो एक ही आर्गुमेंट भेज रहे हो, दो आर्गुमेंट थोड़ी भेज रहे हो। तो आप यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, यू कैन यूज द प्लस ऑपरेटर एवरीवेयर एंड देन नो प्रॉब्लम एट ऑल इट विल एग्जीक्यूट, है ना, तो लिस्ट में भी कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, उतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करने का जरूरत नहीं। अब देखो फ्राइडे वाले इस वाले फाइल को हम लोग ओपन करें, इस वाले फाइल को ओपन करेंगे नोटपैड में, देखिए अब आप देख सकते हो सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 60 लिखा हुआ आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी। आप मुझे बताओ, मैं चाहता हूं वहां पे लेंथ भी लिखूं, ये जो एंटर द लेंथ कर रहे हो ये थोड़ी ना यार आप प्रोग्राम में थोड़े फाइल में थोड़ी लिख रहे हो, टेक्स्ट फाइल में, ये प्रोग्राम में लिख रहे हो, ये पाइथन प्रोग्राम यहीं तक है इसका काम, इसी में है ये फाइल में नहीं जाकर राइट हो रहा। जब तक आप राइट मेथड नहीं यूज करोगे, राइट लाइंस मेथड यूज नहीं करोगे, आपको फाइल में नहीं लिखा आएगा, और यही वजह है कि ये इंटीजर डेटा होने के बावजूद आपको एरर नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखो जैसे ही मैं लिखूंगा एफ डॉट राइट और यहां पे मैं लिखूंगा क्या लेंथ इज इक्वल टू और कॉमा करके मैं एल दूंगा, अब बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम एवरीबॉडी हियर, इज देयर एनी प्रॉब्लम। देखो ये सब चीज शायद आप सीख चुके होंगे, आपको पता होगा, आप रेस्पॉन्ड करिए, लेकिन मैं बता रहा हूं हम बहुत अंदर जाकर के बात करते हैं, आपको आप मेरा सारा क्लास करो बढ़िया से, आपका पाइथन एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टू आर्गुमेंट्स है रिया, वेरी गुड, टू आर्गुमेंट्स है। क्या मैंने सिखाया आपको इस प्रॉब्लम से बाहर आने का तरीका, प्लस लगाओ यहाँ पे, तो लेंथ इज इक्वल टू प्लस एल, अब ये सिंगल आर्गुमेंट बन चुका है ना, इंस्टेड ऑफ कॉमा आप कॉस पर गया, वेरी गुड सुमित, इंस्टेड ऑफ कॉमा वी पुट प्लस सिंबल एवरीबॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ सकती है, बोलो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, एक ही लाइन में आएगा सारा, हम चाहते हैं एक ही लाइन में आएगा सारा, ठीक है ना, तो वो भी प्रॉब्लम है, अब क्या करें उसको, कैसे उससे कैसे बाहर आएंगे हम लोग, ठीक है ना, एक ही लाइन में जो आ जा रहा स्लैशन तो लगा लेंगे, है ना। अब मान लो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं क्या, प्लस करके और ऐसे स्लैशन ऐड कर दे, देख लेते हैं, है ना, और चलो एक काम करते हैं ब्रेथ भी एंटर कर ही देते हैं, ब्रेथ को भी हम लोग राइटिंग राइट कर ही लेते हैं, फाइल वी आर गोइंग टू राइट ब्रेथ एज वेल एवरीबॉडी। चलो लेट मी एग्जीक्यूट दिस एवरीबॉडी, चलो एंटर द लेंथ 6 एंटर द ब्रेथ 2, कैन ओनली कैटेनेट एसटीआर नॉट इंट टू एसटीआर, इंट को एसटीआर में नहीं करेगा, इंट कहां पे दिख रहा भाई, इंट कौन सा दिख रहा, यही वाला तो इंट है, आप लोग बताएं मेरे को एल जो है क्या है, वहां पे लेंथ जो एंटर कर रहे हो तो ये किस में एंटर कर रहे हो, इंटीजर में, तो उसको कौन करेगा, क्या चीज में, एसटीआर में कौन करेगा, हम ही लोगों को करना होगा ना, यस और नो एवरीबॉडी, यस, और नहीं तो इनपुट ही लो स्ट्रिंग में, इनपुट ही लो स्ट्रिंग में, चलो नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी, ऑल द प्रॉब्लम आई हैव रिजॉल्व्ड नाउ, बस अब इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं। देखिए लेंथ इज इक्वल टू 6, ब्रेथ इज इक्वल टू 3 एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 18, ऐसा हमने अपने फाइल में राइट कर दिया, प्रोग्राम की मदद से हमने लिखा, ठीक है ना, और अब आपको समझ में आ रहा होगा ऑपरेशन, क्या ये अंडरस्टैंडेबल है, एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग फॉर माई सेटिस्फेक्शन, प्लीज टेल मी स्टिल हियर एवरीथिंग इज ओके, ओके नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग चलेंगे सर नेक्स्ट टॉपिक में, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, आप लोग का एग्जाम भी नजदीक ही है ना, तो रिवीजन भी चाहिए होगा, तो सिलेबस कोशिश करते हैं जल्दी कंप्लीट करें। ऑल ऑफ यू राइट लाइंस मेथड के बारे में मैंने आपको बता दिया,
इससे क्या होने वाला राइट लाइन मेथड से, है ना, आप इससे सीक्वेंसेस डेटा टाइप को राइट कर पाओगे, ठीक है। और इससे हम लोग अभी जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे आपको पता है ना, अभी जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे हम लोग, वो तो हम लोग बस सिंपल सा स्ट्रिंग को एंटर कर रहे थे, लेकिन इन सिक्वेंसेस डेटा टाइप को अगर आपको अपने प्रोग्राम में लिखना है तो उसके लिए आपको राइट लाइन मेथड यूज करना होगा, ठीक है। तो राइटिंग के लिए याद रखो हमारे पास दो मेथड है, एक है राइट मेथड और एक है राइट लाइंस मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, एक है राइट मेथड और एक है राइट लाइंस मेथड है हमारे पास, है ना। तो वन इज द राइट एंड वन इज द राइट लाइंस मेथड, रीडिंग के लिए रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइंस भी आ जाएगा। तो चलो एक सिक्वेंसेस डेटा टाइप को हम लोग लिख करके देख लेते हैं क्या लिख पाते भी है या नहीं, हम लोग इसी में लिखेंगे। और आप देख लो बार बार ओवर राइट हो जा रहा उसको, है ना, एक ही फाइल में आप क्या कर रहे हो, क्योंकि राइट मोड में मैंने बोला था इफ द फाइल विल एग्जिस्ट, है ना, द कंटेंट इज गोइंग टू बी ओवर राइट, है ना, तो वो पहले में से जो लिखा हुआ उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। अब मान लो इसको मैं पूरा का पूरा क्या कर दू, ऐसे क्लियर कर दू, अब उसके बाद आप चाहते हो कि कुछ आप कुछ मतलब ऐसा लिस्ट वगैरह कुछ ले लो और इसको आप राइट करना चाहते हो उसमें, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा पहले जो चीज लिखे थे। ये हमारा लिस्ट है सर, अब बस सिंपली एप डॉट क्या लिखेंगे हम लोग, राइट लाइंस लिखेंगे, सिंपल सा है हमारे पास सिंटैक्स, एप डॉट राइट लाइंस और बस ए लिख दो यहाँ पे। अब हम लोग देख लेते लिख भी पाते हैं या नहीं ऐसा। ओहो, सो आर्गुमेंट मस्ट बी एसटीआर नॉट इंट, है ना, राइट क्या हम लोग लिखे यार, देखे राइट लाइंस। अच्छा एक मिनट, इसको मैं एसटीआर करूं जरा, ये तो लिस्ट हमारा एसटीआर बनेगा नहीं, यहाँ पे तो एरर हमें नहीं मिलना चाहिए था, बट इट इज वर्किंग नाउ, इट इज वर्किंग। ओके, सो लेट मी चेक दिस, अब यहाँ पे हम लोग किस फॉर्मेट में इसको लिख पाएंगे, ठीक है, किस फॉर्मेट में लिख पाएंगे, तो लिख पाओगे आप किस फॉर्मेट में, 10, 20, 30, 40 बिल्कुल का बिल्कुल लिस्ट फॉर्मेट में ही लिख पाओगे, लिस्ट के फॉर्मेट में ही जा रहा हूं आप। एक मिनट में स्लाइड में आता हूं। राइट लाइंस मेथड इज यूज टू, एवरीबडी इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, राइट लाइंस मेथड इज यूज टू राइट सिक्वेंसेस डेटा टाइप्स इन फाइल। तो सिक्वेंसेस डेटा फाइल आप लिख सकते हो, फाइल में राइट कर सकते हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो, डजेंट मैटर, बट आर्गुमेंट शुड ऑलवेज बी गिवेन इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग, आर्गुमेंट शुड ऑलवेज बी गिवेन इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग। इसको एक बार और हम लोग चेक कर लेते हैं, बढ़िया से इसका आरएनडी कर लेते हैं, मैं इसे कमेंट बनाऊंगा और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मैं क्या करने वाला हूँ, राइट लाइंस मेथड के थ्रू डायरेक्ट मैं 10, -6, 30, 50 कुछ ऐसा पास करने वाला हूँ। चलो यस एवरीबडी, सो राइट आर्गुमेंट मस्ट बी एसटीआर, है ना, नॉट इंट, है ना, तो ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। और अगर मैं इसे टप्पल बना दूं तो क्या हो जाएगा सर, टप्पल बना के हम लोग देख ले क्या, चलो टप्पल भी देख लेते हैं। ओके, सो फिर से प्रॉब्लम है सर, है ना, और अब क्या बच गया है, क्या बच गया है, चलो डायरेक्टली स्ट्रिंग लिखना चाहता हूं मैं, क्या इससे भी हम लोग स्ट्रिंग लिख पाएंगे, ओके सर नो प्रॉब्लम एट ऑल, गुड इवनिंग तो चला जा रहा है ना, गुड इवनिंग यहाँ पे आ जाएगा, इसको फिर से ओपन करते हैं तब पता चलेगा आपको, या जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी लेट मी ओपन। तो यहाँ पे गुड इवनिंग आ चुका आप देख सकते हो, लेकिन अगर आपको सिक्वेंसेस डेटा टाइप लिखना तो उसके लिए हम लोग इसका यूज लेते हैं, किसका, राइट लाइंस का, ठीक है ना। तो अब उसको कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप चाहो तो यूजर से इनपुट ले लोगे, है ना, या डायरेक्टली इस टाइप से इनिशियलाइज कर सकते हो, जैसे कि आप देख लो मैंने ए वेरिएबल में, है ना, ए इज अ विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, सो दिस इज द टप्पल एवरीबॉडी। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, ठीक है, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, ठीक है, टप्पल को क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं, टप्पल कैन बी मॉडिफाइड,
आइए अब हम लोग देख लेते हैं. यस टेल मी एवरीबडी, टपल कैन बी मोडिफाइड, टपल कैन बी चेंज्ड, क्या टपल में मोडिफिकेशन कर सकते हो? मोडिफिकेशन करने कहने का मतलब हुआ कि उसके एलिमेंट में चेंजेस नहीं कर पाओगे, है ना. एग्जिस्टिंग टपल में आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, नो. बट यहाँ पे हम लोग मोडिफिकेशन नहीं कर रहे, हम लोग टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, इसको टाइप कन्वर्सन कहते हैं. बस हम लोग क्या कर दे रहे हैं, टपल को स्ट्रिंग बना दे रहे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहे हैं. क्योंकि राइट लाइन्स मेथड के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, ये स्ट्रिंग ही डेटा राइट करेगा फाइल. राइट लाइन्स मेथड है ना टेक्स ओनली स्ट्रिंग, है ना. बाय द राइट लाइन्स मेथड क्या करता है, यस दैट इज इम्यूटेबल. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो आप यहाँ पे थोड़ा ऐसा करोगे, मैं भी याद करके, हमेशा बार बार पढ़ाते हैं और ये मैं बार बार भूल जाता हूँ ऐड करना, ठीक है. तो यहाँ पे आप एक लाइन जरूर ऐड कर लोगे कि राइट लाइन्स मेथड इज यूज्ड टू राइट सीक्वेंसेस डेटा टाइप्स इन फाइल, है ना. फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना. बट इट ऑलवेज टेक्स स्ट्रिंग डेटा एज अ आर्गुमेंट, बट इट ऑलवेज टेक्स स्ट्रिंग डेटा एज अ आर्गुमेंट. सो वी नीड टू कन्वर्ट आवर सीक्वेंसेस डेटा टाइप लाइक लिस्ट, टपल, है ना, सेट इन टू स्ट्रिंग फर्स्ट बिफोर राइटिंग इन टू द फाइल, है ना. तो इसको आप अपने शब्दों में बहुत अच्छे से लिख लोगे, ठीक है ना. अब आप दोबारा से ज्वाइन करो, ठीक है. तो हम लोग अब पूरा का पूरा प्रोग्राम देखेंगे टेक्स्ट फाइल रिलेटेड. ओके ओके. तो सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं स्टार्टिंग विथ वेरी सिंपल प्रोग्राम एवरीबडी, ठीक है. काफी सिंपल प्रोग्राम से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. और क्योंकि आपको पता है क्लास ट्वेल्थ में जो भी आपको प्रोग्राम लिखने के लिए आता है वो फंक्शन के फॉर्मेट में बोला जाता है लिखने के लिए, तो हम लोग प्रैक्टिस भी कुछ वैसा ही करेंगे, है ना. तो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट अ फंक्शन. अब वैप मैं नहीं लिख रहा हूँ जैसा मैं लिखता था हमेशा, ठीक है. मैंने क्या लिखा सर, राइट अ फंक्शन, है ना. डब्ल्यू इसका मतलब क्या हुआ, राइट अ फंक्शन है, ठीक है. तो राइट अ फंक्शन इन पाइथन, आप क्वेश्चन को देख लो बढ़िया से, राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू रीड द कंटेंट, राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू रीड द कंटेंट फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल. और टेक्स्ट फाइल का नाम हम लोग रख लेते हैं सिंपल सा राज डॉट टीएक्सटी. यहां तक क्वेश्चन क्लियर होगा, होप सो. राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू रीड द कंटेंट फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट का फाइल का नाम क्या है, राज डॉट टीएक्सटी. और कैसे रीड करना है, लाइन बाय लाइन एंड डिस्प्ले द सेम ऑन द स्क्रीन, ठीक है. तो राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू रीड द कंटेंट फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल जिसका नाम क्या राज डॉट टीएक्सटी, है ना, लाइन बाय लाइन रीड करना एंड डिस्प्ले द सेम ऑन द स्क्रीन, और उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करना. ऑलरेडी ये प्रोग्राम बताया जा चुका है, एक बार फ्रेश मैं नोटपैड का फाइल आपके सामने क्रिएट करना चाहूंगा, है ना. राज नेम से इसमें पहले कुछ लिखा हुआ रहेगा तब तो आप पढ़ोगे, है ना. तो मैं यहाँ पे फिर से एज यूजुअल लिखता हूँ गुड इवनिंग, है ना. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास, ठीक है. एक लाइन लिख देते हैं और हाउ आर यू. चलिए इसको हम लोग सेव कर लेते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू सेव एवरीबडी दिस इन द सेम फोल्डर. इसको राज डॉट टीएक्सटी नाम से सेव करना पड़ेगा, ये मेरा डीवीडी ड्राइव क्यों ओपन हो जाता है. या तो सेव हो चुका, आप देख सकते हो राज डॉट टीएक्सटी नाम से मैंने इसे सेव किया. यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब आप बताओगे, एक टाइप से ये रिवीजन हो रहा है. सो यू पीपल विल टेल मी, चैट बॉक्स इज ओपन. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द फाइल. तो कैसे फाइल को ओपन करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, और आपको फंक्शन के फॉर्मेट में प्रोग्राम लिखना है तो वो भी आप मुझे बताएं कैसे करोगे, है ना. बताइए, फंक्शन भी पढ़ा दिया, फाइल हैंडलिंग भी पढ़ा दिया एक यूनिट, अब बताओ क्या करना है, बताइए सर. कौन बताएगा, आदर्श बताओ, प्रज्ञा बताइए,
संजना बताइए क्या करेंगे सबसे पहले, शीतल बताओ, शीतल भी बहुत इंटेलिजेंट हो गई है। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओपन दी फाइल, ऑफकोर्स वील ओपन द फाइल, वेरी गुड एक्सलेंट आंसर फ्रॉम प्रज्ञा एंड नीरज एजवेल, ऑफकोर्स वील ओपन द फाइल, लेकिन ऐसा करते ना हम लोग एक फंक्शन भी डिफाइन कर लेते हैं, तो डेफ फंक्शन का नाम क्या रख दे, फंक्शन का नाम चलो मैंने कर दिया नीरज, दिस इज द एवरीबॉडी नेम ऑफ द फंक्शन। और बताओ क्या ये सिंटैक्स सही है, पहले बताओ कि वेरी गुड शीतल, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, ये जो मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया यहाँ पे, ये फंक्शन हेडर क्या सही है, फॉर्मेट सही है या कुछ और इसमें करना होगा। डेफ नीरज, नीरज इज द नेम ऑफ द फंक्शन, नो इट इज नॉट करेक्ट, देन व्हाट वी हैव टू डू, कॉलन, वेरी गुड वेरी गुड। तो कॉलन देकर के हम लोग नीचे आएंगे, यार बहुत ज्यादा नीचे आ जा रहे हैं, मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम, हाँ सही है, दो बार शायद एंटर की प्रेस हो गया, तो कॉलन वी हैव टू गिव, वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड प्रज्ञा। तो ये सब आप पहचानने लगो, एरर फाइंडिंग में ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसा कि आपने बोला सर फाइल को ओपन करिए, तो एफ इक्वल टू ओपन करेंगे, और फाइल का नेम क्या राज मैंने कैपिटल में लिखा था या जो भी लिखे थे, उससे तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा आप देख रहे हो, तो राज डॉट टीएक्सटी मैंने कर दिया है। और क्योंकि रीडिंग का काम कर रहे हो तो कौन सा मोड मैं लिखूंगा, या नहीं भी लिखूंगा तो क्या चलेगा, प्लीज टेल मी एवरीबडी, है ना, रीडिंग का काम कर रहे हो तो कौन सा मोड यहाँ पे देना सही होगा, और क्या नहीं देंगे तो चलेगा, है ना, यस चलेगा, और अगर देते तो कौन सा मोड देते, है ना, बिकॉज दिस इज द डिफॉल्ट मोड, वेरी गुड नीरज, अगर देते तो यहाँ पे कौन सा मोड देते, क्या लिखते हो वहां पे, ऑफकोर्स विल राइट आर, ओके वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो आपको बड़ा लाइन बाय लाइन लिखना है, ठीक है, तो लाइन सॉरी आपको लाइन बाय लाइन क्या करना, रीड करना है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको लाइन बाय लाइन रीड करने का एक तरीका बताया था, है ना, रीड लाइन मेथड के थ्रू आप लाइन बाय लाइन अपने फाइल में जो भी चीज लिखा हो उसको रीड कर सकते हो, और मैंने बताया था वाइल ट्रू कर दो, लूप हमेशा चलता रहेगा, और लाइन बाय लाइन आप रीड लाइन मेथड के थ्रू क्या कर लो, रीड कर लो, ठीक है, और वहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर लो, है ना, जैसे ही ब्लैंक लाइन मिलेगा तो आप क्या कर लेना आपको, है ना, वहां से ब्रेक हो जाना है, ठीक है। लेकिन आज मैं एक और नया तरीका आपको बताने वाला हूँ, एफ के अंदर सारे का सारा कंटेंट आपका आ गया, ये फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है ना, फाइल ऑब्जेक्ट का लिंक इस्टेब्लिश हो चुका है, सॉरी हाँ फाइल ऑब्जेक्ट का लिंक इस्टेब्लिश हो चुका है फाइल के साथ, है ना। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लूप चलाऊंगा, फोर आई इन एफ, आई को हम एफ के अंदर लेकर के चले गए, आई को एफ के अंदर लेकर चले गए, कुछ कर ये नहीं रहे, रीड मेथड भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है, रीड मेथड भी यूज नहीं करेंगे, एक नया तरीका, एक नया तरीका, और क्या ये तरीका सक्सेसफुल है, देखने दो, प्रिंट आई कॉमा क्या, पहले प्रिंट आई करने दो मेरे को, है ना, और सर अब क्या करेंगे, फाइल को क्लोज करेंगे, सो एफ डॉट सी एल ओ एस सी फाइल डॉट को क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे फंक्शन का नाम क्या, नीरज, तो नीरज को मैं कॉल करूंगा, अब नीरज को कॉल करूंगा, नीरज के पास कॉल जाएगा तो होगा क्या, ये सारा का सारा लाइन जो है एग्जीक्यूट होने वाला, फाइल ओपन होने वाला है और क्लोज होने वाला है, लेट मी एग्जीक्यूट दिस एवरीबॉडी, तो इसको हम लोग सेव करेंगे एज यूजुअल उसी फोल्डर में, और इसको मैं किस नेम से सेव कर लू, इसको वन नाम से सेव कर दे, पहला प्रोग्राम फर्स्ट नेम से मैंने सेव कर दिया, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास, हाउ आर यू। तो आप देखो आपके सामने एक नया तरीका हाजिर है, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, विदाउट रीड मेथड, आई हैवंट यूज द रीड मेथड एंड आई एम एबल टू रीड द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल एवरीबॉडी, बस यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि नया जो क्या है एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर भी आ जा रहा है, अगर मैं स्लैश कॉमा दे करके एंड कर दू किससे, सिंपली स्पेस बार से, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो वो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, वो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर जो मेरा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आप ये काम कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है सर, है ना, तो इस प्रकार से हमने रीडिंग का काम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो एम्प्टी स्ट्रिंग ले लो, सबसे बेटर है, स्पेस भी नहीं रहेगा। गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास, हाउ आर यू, है ना, तो बताइए नया तरीका कैसा लगा, ये हमारा पहला प्रोग्राम का सॉल्यूशन था, और इसको एक और किस तरीके से बना सकते हो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका लास्ट क्लास, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल सर, है ना, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर, ये सबको समझ में आया, राइट अ फंक्शन,
ये क्या सबको समझ में आया? फाइल को ओपन किए, फाइल ऑब्जेक्ट का फाइल के साथ लिंक इस्टेब्लिश हो गया, आई को सीधा एफ के अंदर लाए, है ना। ये पूरा का पूरा कंटेंट को एक ही बार में क्या करेगा, मतलब लाइन बाय लाइन रीड करेगा और प्रिंट आई कर दे रहे, वो लाइन बाय लाइन फिर प्रिंट करता चला जाएगा, है ना। बस यही प्रॉब्लम है कि क्या करता है, एंड ऑफ लाइन करेक्टर को भी रीड कर लेता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ एंड इज इक्वल टू क्या कर दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। एंड देन क्लोज द फाइल एवरीबडी, नीरज फंक्शन को कॉल किए, ये सारा लाइन जो है ये सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट अ फंक्शन एवरीबडी इन पाइथन, राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू काउंट द, राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस कैसा लाइंस फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल एवरीबडी। टेक्स्ट फाइल का नाम हमारा क्या है, यही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, राज डॉट टी एक्स टी एवरीबडी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राज.txt which is not starting with an alphabet T, है ना। तो एवरीबडी आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या, राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल raj.txt which is not starting with an alphabet T। आपको क्या करना, राइट अ फंक्शन इन पाइथन, पाइथन में एक फंक्शन क्रिएट करना है टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस, जो नंबर ऑफ लाइंस काउंट करे फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल raj.txt, है ना, विच इज नॉट स्टार्टिंग विथ एन अल्फाबेट टी। पहले पहले फाइल को देखने दो भैया, फाइल को देख लेते हैं हम लोग, फाइल हमारा कहाँ चला गया। ओके, इसको ओपन करना पड़ेगा, फोल्डर को ओपन हो चुका है, फाइल का नाम क्या था, राज था। अब इसमें देखने दो, वैसा लाइन है क्या जो टी से स्टार्ट नहीं हो रहा हो, तो आप देखो बहुत सोच समझ के मैंने फाइल क्रिएट किया है, टी से स्टार्ट होने वाला भी हमारे पास लाइन है और टी से नहीं स्टार्ट होने वाला भी हमारे पास लाइन है, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको काउंट करना वो सारे लाइंस को जो जो कि टी से स्टार्ट नहीं होता है, जो टी से स्टार्ट नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग प्रोग्राम को बनाएंगे। अब बताइए, आप लोग सीख चुके हो, सबसे पहले फंक्शन कैसे क्रिएट करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन एवरीबडी। सो विल राइट डेफ, एवरीबडी विल राइट डेफ राज, कोई दिक्कत है क्या, फंक्शन का नाम भी राज कर दी, कंफ्यूज हो जाओगे, फंक्शन का नाम कुछ और कर दे, चलो डेफ प्रीति कर देते हैं, डेफ प्रीति। अब बताइए क्या करेंगे हम लोग, कैसे फाइल को ओपन करोगे, एफ इज इक्वल टू सेम तरीका, एफ इज इक्वल टू ओपन, और यहां पे हम लोग लिखेंगे raj.txt, एफ इज इक्वल टू ओपन raj.txt कॉमा, है ना, कॉमा raj.txt कॉमा, रीडिंग मोड में कर लेते हैं हम लोग, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ऊपर आपने देखा था सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपको काउंट करना, तो हमेशा से आपको सिखाया गया, जब भी कुछ भी काउंट करना हो, बहुत सारे नंबर्स का सम करना हो, तो एक ऐसा वेरिएबल लो जिसका वैल्यू जीरो इनिशियलाइज करो। तो मैंने सी इज इक्वल टू जीरो सर इनिशियलाइज कर दिया है, है ना, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या करने वाले हैं हम, सो देखिए लूप चलाएंगे एज यूजुअल ऊपर के जैसा। तो फॉर आई इन क्या करेंगे, एफ में सीधा इसका एंट्री करा देंगे, और ये मुझे लगता है जो भी मैं मेथड आपको सिखा रहा हूँ ये बड़ा शॉर्टकट है ना, लफड़ा नहीं यार, है ना, रीड मेथड यूज कर रहे हैं ना रीड लाइन यूज कर, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री करा दे रहे हैं। एक बार आप लोग इसको जरूर अपने सर से कंफर्म कर लोगे कि सर ये प्रोग्राम सही है कि नहीं, है ना, वैसे तो बोर्ड में मार्क्स नहीं कटेगा, है ना। तो फॉर आई इन एफ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, आई को एफ के अंदर लाए, और ऐसा करने से क्या होता है ना, ये लाइन बाय लाइन रीड करता है। तो अब हम लोग क्यों ना चेक कर लें कि इफ आई ऑफ जीरो, है ना, आई ऑफ जीरो हमारे स्ट्रिंग का यानी हमारे फर्स्ट लाइन का पहला कैरेक्टर नॉट इन
नॉट इन, क्या वो नहीं है? किसके बराबर? टी के बराबर, क्या वो नहीं है? नॉट इन टी. इफ आई ऑफ जीरो है ना, आई ऑफ जीरो इंडेक्स जीरो, पहला लाइन का जीरो इंडेक्स पे क्या रहेगा? अगर टी ना हो, आई ऑफ जीरो मान लो पहला लाइन में क्या है, आर है. एवरीबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई ऑफ जीरो मान लो पहले लाइन के स्ट्रिंग में क्या है, आर है. तो क्या आर नॉट इन टी, क्या वो टी से टी के बराबर नहीं है? ये इस टाइप से आप समझ सकते हो. आर नॉट इन टी अगर नहीं है तो हमें यही तो काउंट करना है, सी इज इक्वल टू सी प्लस वन कर देना है. सी इज इक्वल टू सी प्लस वन कर देना है. और उसके बाद हम लोग को फाइल को ओपन किए हो तो फाइल को क्लोज कर दो, काम हो चुका है आपका. फाइल को क्लोज करने के बाद लास्ट में आप क्या कर लो है ना, काउंटिंग का काम कर लो सर. तो हम लोग प्रिंट करेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ लाइंस नॉट स्टार्टिंग, नंबर ऑफ लाइंस नॉट स्टार्टिंग विथ टी इज इक्वल टू कॉमा करके सी कर देंगे. ओके एवरीबडी, इज इट अंडरस्टैंडेबल? अब क्या बच चुका है सो मुझे बताइए, क्या बच चुका? कुछ और करना होगा क्या? क्या करना होगा? व्हाट वी हैव टू डू एवरीबडी, व्हाट वी विल डू नाउ, व्हाट वी विल डू, काइंडली कंफर्म. अब क्या बच चुका, क्या करना होगा हमें बताइए. हम लोग को अब क्या करना है सर, है ना? हम लोग ऐसा लाइन काउंट करने वाले हैं. क्या करेंगे? बड़ा आसान है यार, फंक्शन को कॉल करेंगे, प्रीति को कॉल करेंगे, है ना? प्रीति को कॉल कर दिए. लेकिन उससे पहले सर इसको कमेंट बना ले. इफ यू अलाउ मी कैन आई मेक दिस होल एज अ कमेंट. अब कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला प्रोग्राम हमारा कमेंट बन चुका है, इस पे आप फोकस करें, है ना? इसको फिर समझा देते हैं अभी तुरंत से, पहले एग्जीक्यूट कर देख ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भैया. या नंबर ऑफ लाइंस नॉट स्टार्टिंग विद टी इज इक्वल टू टू. आप देखो, आओ ना देख लो, ये हमारा था, क्या था, राज फाइल था. राइट क्लिक किया मैंने, इसे ओपन किया विथ नोट पैड, और इसमें देखो टी से तो एक ही लाइन स्टार्ट हो रहा है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास, बाकी तो टी से स्टार्ट नहीं हो रहा, गुड इवनिंग हाउ आर यू, है ना? और हमारा प्रोग्राम जो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो प्रोग्राम भी कितना सिंपल सा है. कुछ नहीं किया मैंने, एक फंक्शन डिफाइन किया, क्योंकि क्लास 12 में सब चीज फंक्शन का फॉर्मेट में लिखना होता आपको. फाइल को मैंने ओपन कर लिया, सी को जीरो से इनिशियलाइज किया, क्योंकि मैं काउंट कर रहा हूँ नंबर ऑफ लाइंस में, हमें काउंट करना है भैया. तो जब भी हमें काउंटिंग करना हो तो एक ऐसा वेरिएबल लेते हैं जिसका वैल्यू हम लोग जीरो करते हैं. अब आई को सीधा एफ के अंदर लेते हैं. ऐसा करने से होता है क्या, ये लाइन बाय लाइन रीड करना शुरू कर देता है, है ना? तो सबसे पहले आई क्या करेगा, पहला लाइन को उठाएगा. पहला लाइन है क्या? इसको बंद को कौन कर दिया, अच्छा हम ही किए बंद, है ना? तो पहला लाइन है क्या? गुड इवनिंग है ना पहला लाइन. तो आई का वैल्यू हो गया क्या, गुड इवनिंग. आई का वैल्यू हो गया गुड इवनिंग. अब यहाँ पे क्या किया मैंने प्रोग्राम में, आई का वैल्यू हो गया गुड इवनिंग. आई इन एफ, आई का वैल्यू हो गया गुड इवनिंग. अब यहाँ लिख रहा हूं आई ऑफ जीरो, तो आई में है गुड इवनिंग. और आई ऑफ जीरो मतलब क्या, स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट जानते हो, आई ऑफ जीरो करोगे तो आपको जी मिलेगा. आई ऑफ जीरो करोगे तो जी मिलेगा. अब यहाँ लिख रहा हूं जी नॉट इन टी, है ना? जी नॉट इन टी का मतलब क्या, जी जो है वह आप समझ सकते हो टी के इक्वल नहीं है. नहीं है तो सी इज इक्वल टू सी प्लस वन करो, कंडीशन ट्रू है तो करो. तो आपने काउंट कर दिया, है ना? सी का वैल्यू पहले जीरो था, बढ़ाकर वन कर दिया. सी इज इक्वल टू सी प्लस वन मतलब क्या, सी का वैल्यू जीरो मतलब जीरो प्लस वन, सी में अब वन आ चुका है. अब यहीं पे फाइल को क्लोज करेंगे. क्यों यहीं पे फाइल को क्लोज करेंगे, क्योंकि अब हम लोग को फाइल से कुछ लेना देना नहीं है सर. फाइल में से हमको बस काउंट करना था, काउंटिंग का काम खत्म हो गया. डिस्प्ले करने का काम जो है ना प्रोग्राम में कर रहे हैं, तो फाइल से बाहर निकल के ना डिस्प्ले करोगे, इसके अंदर क्यों लिखोगे प्रिंट? तो फाइल को क्लोज कर दिया, यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ लाइंस नॉट स्टार्टिंग विद टी इज इक्वल टू सी गेटिंग. अब एनीवेज चलो यहाँ पे वन हो गया सी का वैल्यू. ऊपर जब फिर से लुक में जाओगे तो ये दूसरा लाइन उठाता आई एन एफ, ये दूसरा लाइन उठाता ये वाला, देखो कौन सा उठाता ये, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास, है ना? अब आप यहाँ पे लिखे हो क्या कंडीशन, आई ऑफ जीरो नॉट इन टी. क्या आई ऑफ जीरो टी नहीं है? आई ऑफ जीरो में तो टी आ ही रहा, बिल्कुल है सर टी, बिल्कुल है टी. तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ना.
तो कंडीशन फॉल्स होगा तो सी का वैल्यू बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वन ही रहेगा, वन ही रहेगा। फिर से लूप में जाओगे आई इन एफ, अब ये तीसरा लाइन को रीड करेगा, तीसरा लाइन क्या, हाउ आर यू, हाउ आर यू, है ना। अब आई ऑफ जीरो मतलब क्या, एच हो गया, क्या एच नॉट इन टी है, हाँ है, तो सी का वैल्यू वन था, बढ़ के हो जाएगा टू, है ना। अब तो फिर ऊपर लूप में जाओगे तो ऑफकोर्स कंडीशन विल बिकम फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो फिर प्रोग्राम से प्रोग्राम को क्लोज करेंगे और बाद में हम लोग प्रिंट कर देंगे नंबर ऑफ लाइंस नॉट स्टार्टिंग विद टी इज इक्वल टू सी। ठीक है, एक चीज मुझे करके देखने दो यहाँ पे कि क्या स्ट्रिंग में ये मेंबरशिप ऑपरेटर जरूरी है। अगर मैं ऐसा यूज करूं नॉट इक्वल टू टी, तो इज देयर एनी प्रॉब्लम एवरीबडी? नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम। कंफ्यूजन हो मेंबरशिप ऑपरेटर में उड़ा दो नॉट इक्वल टू, आई ऑफ जीरो क्या नॉट इक्वल टू टी है, इसी को रखते ही ज्यादा आप लोग समझोगे। इक्वल टू समझते ही हो, ये नॉट इक्वल टू हो गया पाइथन का रिलेशनल ऑपरेटर, एवरीबडी क्लास 11 पढ़ाए थे बेसिक। ठीक है, आप मुझे बताएं ये क्या सिंपल सा प्रोग्राम जो है आपको समझ में आ रहा है, ये समझ में आया क्या? एवरीबडी कैन यू टेल मी हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम और नॉट? हैव यू अंडरस्टूड? ऐसे ही नहीं बोलना, ऐसे ही नहीं बोलना है। इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीबडी, ओके देन काइंडली रेस्पॉन्ड यस। ओके, तभी हमको लग रहा है समझ गए हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा। प्रज्ञा हैव यू अंडरस्टूड? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू एंड फॉल्स पार्ट। ओके, ट्रू एंड फॉल्स पार्ट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई एम टेलिंग यू। ओके देखो, आई ऑफ जीरो ये होता है नॉट आई ऑफ जीरो, आप आई ऑफ एक मिनट सर, इसको रन करने दो एक मिनट, बस मैं इसे समझा देता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आप बेटा समझिए, जैसे मेरा एस इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया है राजेश शर्मा। अब देखो ये एस के अंदर राजेश शर्मा है, अब अगर आप एस ऑफ जीरो लिखोगे ना तो ये स्ट्रिंग का पहला इंडेक्स का वैल्यू होता है जीरो, तो आपको आर मिलने वाला है। क्या मिलने वाला? आर मिलने वाला। अब हम यहां पे लिख रहे हैं क्या एस ऑफ जीरो क्या बराबर है किसका? आर के बराबर है। अगर बराबर होगा तो क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। देखो ट्रू मिला, ट्रू मिला ना। अगर हम एस ऑफ जीरो लिखे, क्या लिखे, नॉट इक्वल टू आर, क्या एस ऑफ जीरो आर के बराबर नहीं है? एस ऑफ जीरो में क्या आ रहा? आर है। आपको यहां पे दिखा है एस ऑफ जीरो का मतलब क्या? जीरो इंडेक्स पे क्या है हमारे स्ट्रिंग, हमारे स्ट्रिंग के जीरो इंडेक्स में क्या आर है ना, आर है ना। तो एस ऑफ जीरो मतलब आर, क्या आर नॉट इक्वल टू आर है? नहीं यार, आर तो बराबर है होता आर का, कैसे नॉट इक्वल टू होगा? तो फॉल्स हो गया ना, दिस इज अ फॉल्स। गेटिंग एवरीबडी? तो ये तो हो चुका है फॉल्स, तो वही चीज यहाँ पे यूज किया जा रहा है, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया जा रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ कंडीशन मैंने लगाया है क्या आई ऑफ जीरो, जीरो इंडेक्स मतलब समझ रहे हो ना, ये पहले लाइन का, हर बार पहले लाइन का पहला कैरेक्टर को उठाएगा और कंपेयर करेगा कि क्या आई ऑफ जीरो टी के बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो काउंट करेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ, विच आप वो लाइंस को काउंट करें जो टी से स्टार्ट नहीं होता, जो टी से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा ना? हैव यू अंडरस्टूड? नाउ इट इज अंडरस्टैंडेबल। प्रज्ञा हैव यू अंडरस्टूड? इफ कंडीशन इज ट्रू देन ऑल्सो द लाइन इज एग्जीक्यूटिंग एंड फॉल्स देन ऑल्सो सेम लाइन्स गेट एग्जीक्यूटेड। ना 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 ना, ऐसा तो हो ही नहीं रहा। इफ कंडीशन ट्रू हो रहा है तो लाइन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, सॉरी इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो जा रहा है तो लाइन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। अगर दोनों में एग्जीक्यूट करता ना सर, एल्स पार्ट तो यहाँ है ही नहीं, अगर दोनों में एग्जीक्यूट करता तो आपको आंसर थ्री मिलता। ये तीनों लाइन को काउंट करता, इसको भी काउंट करता, इसको भी करता, इसको भी करता, है ना, समझ में आ रहा है? ये कार्ड तीनों को काउंट करता। फॉल्स पार्ट यहाँ पे है ही नहीं, मतलब एल्स पार्ट नहीं है, फॉल्स पार्ट तो आप कहोगे कि है एक तरीके से। देखो आई ऑफ जीरो नॉट इक्वल टू टी, कंडीशन ट्रू हो रहा पहले लाइन में, टी के बराबर नहीं है, टी से स्टार्ट नहीं हो रहा लाइन, कंडीशन ट्रू, तो सी का वैल्यू जीरो से वन हुआ। दूसरी बार में आई ऑफ जीरो नॉट इक्वल टू टी, आई ऑफ जीरो क्या टी के बराबर नहीं है? कैसे नहीं है? तो फॉल्स हो गया ना, तो फॉल्स हो गया तो नहीं काउंट करेंगे, इसलिए इसका काउंटिंग नहीं हो रहा। तीसरे लाइन में आई ऑफ जीरो नॉट इक्वल टू टी, हाँ सर,
आई ऑफ जीरो जो में जो है एच जो है वो टी के बराबर नहीं है, तो काउंट कर दो, तो अब सी का वैल्यू टू हो जाएगा। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? यस ऑल ऑफ यू काइंडली कंफर्म, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक स्टिल यू हैव डाउट, इफ कंडीशन टर्न्स फॉल्स इट शुड कम आउट ऑफ द लूप। अच्छा ये क्या बोलना चाह रहे हो कि इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए? उनका कहना है कि अगर ये वाला सर फॉल्स हो जाएगा तो क्या आप लूप से बाहर आ जाओगे? नहीं सर, इफ कंडीशन फॉल्स होगा ना तो इसका ये वाला स्टेटमेंट होता है, इफ का जो स्टेटमेंट हो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो वाला लाइन नहीं एग्जीक्यूट करेगा। ये वाले इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट क्या है? सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, दिस लाइन इज नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। आई मीन टू से वी आर नॉट गोइंग टू काउंट द लाइन इफ दिस इफ ब्लॉक, मतलब इफ वाला कंडीशन, ये कंडीशन जो है अगर फॉल्स हो जाएगा तो बस ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब सी का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। हम फोर लूप से बाहर नहीं आए, फोर लूप से बाहर तब आते हैं जब फोर लूप का कंडीशन फॉल्स होता है ना, यानी कि आई इन एफ जब आपका पूरा का पूरा लाइन खत्म हो जाएगा, आपके पास जब ब्लैंक लाइन होगा ना, ब्लैंक स्ट्रिंग होगा, तब फोर लूप का कंडीशन फॉल्स होगा, तब आप बाहर आओगे फोर लूप से। इफ कंडीशन के फॉल्स होने से आप फोर लूप से बाहर नहीं आते। ओके चलो नाउ एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना समझ में आए, बस आपको पेशेंस बना करके रखना। चलिए एक नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन काफी इजी है, इसको आप लोग ट्राई करें। राइट अ फंक्शन, एवरीडे राइट अ फंक्शन इन पाइथन, राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू काउंट एंड डिस्प्ले, राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू काउंट एंड डिस्प्ले द टोटल, द टोटल नंबर्स, राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू काउंट एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर्स, टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू काउंट द काउंट द काउंट एंड डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ टेक्स्ट फाइल, बस इतना ही रखेंगे इन अ टेक्स्ट फाइल, बस यही रखेंगे। राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू काउंट एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ टेक्स्ट फाइल। अब पूरा का पूरा जितना वर्ड है सबको काउंट करना। एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइन काउंट करना सिखा दिए सर, जब कुछ मेंशन नहीं होता तब स्किप कर देते हैं, क्या स्किप करते हैं जब कुछ मेंशन नहीं होता है तो? ओके एनीवेज आप बताओ, आप एक्सप्लेनेशन दो, बाकी लोग ध्यान दीजिए। राइट अ फंक्शन इन पाइथन, पाइथन टू काउंट एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ टेक्स्ट फाइल। आपको अपने टेक्स्ट फाइल से टोटल नंबर ऑफ पुराने क्वेश्चन में इफ स्टेटमेंट, या राइट, यू आर राइट, यू आर राइट एवरीबॉडी। यार मेरा एक्सटेंशन बोर्ड खराब हो गया भाई, चलो सही है। ऑल ऑफ यू राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू काउंट एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ टेक्स्ट फाइल। आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड इस बार काउंट करना है क्या? टोटल नंबर ऑफ वर्ड, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब तक हमने लाइन काउंट करना सीखा, वर्ड काउंट करेंगे इसका, तो मजा आने वाला है। देखो आगे बढ़ते हैं, हाउ वी कैन काउंट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स एवरीबॉडी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करना है, तो चलो सबसे पहले ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, और फंक्शन का नाम क्या रख लें, डेफ। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या रख लिया जाए, तो चलो रिसब रख लेते हैं हम लोग, रिसब, डेफ रिसब, एवरीबॉडी डेफ रिसब। और अब हम लोग को फाइल को ओपन करना है, चलो तो एफ इज इक्वल टू ओपन कर दो, धड़ाक से, अब तो सीख ही गए हो। फाइल का नाम राज है, राजी को ओपन करो, टी एक्स टी हो गया सर। रीडिंग मोड में लिखना जरूरी है क्या? नहीं है। आगे बढ़ो, अब क्या करो, काउंटिंग करना हो, मैंने सिखा दिया, तुम रट लो, जब भी कुछ भी काउंट करना हो सी इज इक्वल टू जीरो करो, या कोई भी वेरिएबल को जीरो से इनिशियलाइज कर दो, कर दो। अब फोर आई इन, आई को लेकर के चलो एफ के अंदर, पहला लाइन को रीड करेगा,
भैया लाइन थोड़ी काउंट करना है, लेकिन ये पहला लाइन को रीड करेगा ऐसा करने से, पहला लाइन को रीड करेगा। करते क्या है ना, पहला लाइन आ गया ना, बहुत काम हो गया, पहला लाइन आने से बहुत चीज हो गया। आपको एक स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ाए थे याद होगा अगर क्लास 11 में तो, और वो स्ट्रिंग फंक्शन का नाम था स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन क्या करता, बाय डिफॉल्ट अगर उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं दोगे तो जहां जहां स्पेस है वहीं से स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है ना एवरीबॉडी। मैं इसको अभी समझाने वाला हूं आपको, सबसे पहले स्प्लिट फंक्शन को ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द स्प्लिट फंक्शन, यस, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम में वापस लौटे। आइए सर, स्प्लिट फंक्शन पे हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे। आप देखोगे मैंने यहां पे लिखा जैसे कि s इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिख दिया प्रज्ञा गुप्ता। अब मैंने लिख दिया s डॉट स्प्लिट, आप देखोगे ये स्प्लिट, ये जो स्प्लिट मेथड है, फंक्शन नहीं बोलेगा सर, ये स्प्लिट मेथड क्या करता है, बाय डिफॉल्ट स्पेस से जहां जहां आपको स्पेस दिख रहा है ना, प्रज्ञा और गुप्ता के बीच में स्पेस है ना, वहीं से क्या करता है आपका स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है, एंड इट विल रिटर्न इन लिस्ट फॉर्मेट, इट विल रिटर्न इन विच फॉर्मेट एवरीबडी, लिस्ट फॉर्मेट एवरीबडी, ट्राई टू वंस अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन। इस बार मैं अपना नेम लूंगा राजेश शर्मा, एवरीबडी, सॉरी। अब इसे मैं स्टोर करना चाहता हूं ये वेरिएबल, मैं लिखूंगा एक्स डॉट स्प्लिट, अगर इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहे हो तब तो ठीक है, मैं यहां पे ऐसे ए दे रहा हूं। अब बताओ ए दे दिए तो होगा क्या, एवरीबडी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एक्स डॉट स्प्लिट आर्गुमेंट मैंने ए दे दिया, जहां जहां मेरे नेम में ए है वहीं से, अच्छा जल्दी से कर दे, डोंट वरी जल्दी से कर देते हैं भाई, देख लो जहां जहां ए है वहां से स्ट्रिंग स्प्लिट हो गया, आर बन गया है लिस्ट का पहला एलिमेंट, और JESH बन गया दूसरा एलिमेंट, SH बन गया तीसरा एलिमेंट, और A तो स्प्लिट हो गया ना, ये खत्म हो गया स्प्लिट होने के समय, और RM बन गया नेक्स्ट एलिमेंट, और A तो खत्म हो गया बस, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर आई इन F इसको हटाते हैं कमेंट को, ठीक है, टाइम होने वाला है ना, आप लोग याद दिला दिया करो, चलो फॉर आई इन F अब हम लोग क्या करेंगे सर, फॉर आई इन F स्प्लिट करेंगे, तो W इज इक्वल टू मैं यहां लिखूंगा W फोर, आप समझ सकते हो वर्ड, और यहाँ I डॉट स्प्लिट, और कोई आर्गुमेंट मत दो, जहां जहां स्पेस है वहीं से स्प्लिट हो जाएगा, और आपको वही वर्ड ही तो काउंट करना है ना, राजेश शर्मा, तो राजेश अलग शर्मा अलग, ये दो हो गया भाई काउंट कर लिए, लेकिन ये W का टाइप क्या है, ये तो बन जाएगा लिस्ट, ये बन जाएगा लिस्ट, वो स्ट्रिंग नहीं है, वो लिस्ट बन जाएगा, तो लिस्ट बन गया तो क्या घबराना थोड़ी है, लिस्ट बन गया तो हम लोग को मालूम है, कर देंगे फोर जे इन W, फोर J इन कर देंगे W, J को लिस्ट के अंदर लाएंगे तो एक एक एलिमेंट को उठाएगा, एक एक एलिमेंट को क्या करेगा उठाएगा, उठाने दो, अब उसको काउंट करो, C इज इक्वल टू C प्लस वन कर दो, C इज इक्वल टू C प्लस वन कर दो, अब लास्ट में क्या करो इसको आप प्रिंट करा दो, ठीक है, तो चलो प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट डायरेक्ट मैं लिख देता हूं क्या C, और बस फंक्शन को कॉल कर देते हैं, फंक्शन का नाम क्या है सर, रिसर्व, चलो रिसब को मैंने कॉल कर दिया, देख लेते हैं हम लोग, चलो अच्छा डेफिनेशन पूछ रहे थे क्या, डेफिनेशन बता देंगे, बड़ा उसमें बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है, आप प्रोग्राम समझ लो, देखिए ये समझ में आ रहा है क्या, 2, 8, 11 एवरीबडी, क्या टोटल 11 वर्ड्स थे एवरीबडी, कह रहे चेंज द इंडेंटेशन, या नाउ परफेक्ट, नाउ विल गेट एग्जैक्टली 11, हर इटरेशन का हर रिपीटेशन का स्टेटस नहीं मिलेगा, बार बार मेरा डीबीडी ड्राइव ओपन हो जाता है, या 11 एवरीबॉडी वी आर गेटिंग, लेट मी ओपन द नोट पैड, काउंट द वर्ड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप लोग काउंट करो यार, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11 एवरीबॉडी यू कैन सी टोटल 11 वर्ड्स आर देयर एंड वी आर गेटिंग द 11, क्या आप मुझे बताएं प्रोग्राम समझ में आया कि नहीं आया, नीरज आप तो समझ गए होगे प्रोग्राम, आप क्लास लेफ्ट कर सकते हो, इसके आगे नहीं पढ़ाएंगे, डोंट वरी, है ना, बस इसी का ये लोग को एक्सप्लेनेशन देंगे, संडे को टेस्ट दे दोगे बेटा सभी को, चलो आप लोग बताइए, बाकी बच्चों बताइए क्या ये समझ में आया आप लोग को कि नहीं आया, क्या ये कंफ्यूजिंग है,
फिर से मैं एक ब्रीफ में वन मिनट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीबॉडी इन ब्रीफ, समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक फाइल ओपन किए, सी को जीरो किए, आई को एफ के अंदर लाओगे तो पहला लाइन आया। अब आई डॉट स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, हर वर्ड जो है स्प्लिट हो जाएगा, जहां जहां स्पेस है वहां से स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन स्प्लिट होकर के वो डब्ल्यू वेरिएबल में जाकर स्टोर होगा, लिस्ट के फॉर्मेट में स्टोर होगा। लेकिन हम यहाँ पे जे इन डब्ल्यू कर दिए, तो अब जे को लिस्ट के अंदर लाएंगे तो क्या करेगा, एक एक एलिमेंट को उठाएगा, एक एक स्ट्रिंग को उठाएगा, लिस्ट के अंदर से एक एक स्ट्रिंग को उठाएगा और उसको काउंट करता चला जाएगा, सी इक्वल टू सी प्लस वन करता चला जाएगा, है ना। जब काउंट कर ही दिया मेरा, है ना, तो लास्ट में क्या कर देंगे, लूप से बाहर आकर के प्रिंट सी कर देंगे, प्रिंट सी कर देंगे, सी में ही ना जाके स्टोर हो रहा है। और फिर मैंने सिंपली फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। यहां पे आप चाहो तो बढ़िया से मैसेज लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू दैट्स इट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होप सो सबको समझ में आ गया होगा, है ना। कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए मेरे को।